हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके तीन ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। ये कौन से तीन रीजनल सेंटर्स हैं और इनकी तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आप नहीं तो आपके कोई फ्रेंड जो कि इन्हीं रीजनल सेंटर से बिलोंग करते होंगे, सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिस भी रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट कर दिए गए। अगर आप अपने असाइनमेंट को सोल्व करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं अभी आपके रीजनल सेंटर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसके लिए। सबसे पहले तो दोस्तों, बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे देख लेते हैं। जबकि इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आप अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी जमा करवाते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर जाके खुद से जमा करवा सकते हैं या फिर बाई पोस्ट भी अपने स्टडी सेंटर को भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन जमा करवाते हैं, सॉफ्ट कॉपी जमा करवाते हैं, तो इसके लिए आप अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी को भी वो अपना असाइनमेंट मेल करेंगे और साथ ही साथ आप रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे भी अपने असाइनमेंट्स को मेल करेंगे। मतलब एक ही असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर को भी मेल करना है और वही असाइनमेंट आपको अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पे भी मेल करना होगा। दोस्तों, बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ अलग से ऐसी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई कि आपको अपने हर पेज पे साइन करना है या फिर आपको अपना इग्नू आईडी कार्ड अटैच करना है। सो आप सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स अभी जमा करवा सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर की तरफ। नेक्स्ट रीजनल सेंटर है मदुरई रीजनल सेंटर। मदुरई रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट जारी किया गया है। इसमें आप सभी के असाइनमेंट सबमिशन के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में ही जमा करवाने होंगे। आप चाहें तो खुद से जाके अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, या फिर आप उन्हें बाय पोस्ट या बाय कुरियर भी जमा करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं जो कि मदुरई रीजनल सेंटर के अंडर आते हैं उन सभी का एड्रेस इसी पेज में दिया हुआ है। आप सभी को अपना असाइनमेंट का जो कवर पेज बनाना है उस पे ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको प्लास्टिक फाइल्स का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, आप जो फाइल कवर यूज़ करते हैं वो पेपर फाइल्स आपको यूज़ करनी होंगी, प्लास्टिक फाइल्स यूज़ नहीं करनी है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अपना क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, अपने असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो आप चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें उनका स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया होगा। सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है कि आप अपनी बुक्स ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करके और अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया कि मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। जितने भी मदुरई रीजनल सेंटर के स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही आपके कोऑर्डिनेटर का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर के अलावा एक और कॉन्टैक्ट है जिसका मोबाइल नंबर और नाम उनका यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, आपका जो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर है, आप उसका एड्रेस चेक करके और चाहे तो बाई पोस्ट भी अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने असाइनमेंट्स को खुद से जाके जमा करवाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद में अभी चलते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर की तरफ, जो कि है दिल्ली 3 रीजनल सेंटर। दोस्तों, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यहाँ पे इनकी तरफ से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड वाले में आपके स्टडी सेंटर्स की
लिस्ट दी हुई है जिस पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। थर्ड में दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उनके नंबर दिए हुए हैं, उनकी मेल आईडी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एक एक करके इन्हें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 31 मार्च की लास्ट डेट दी गई है। हालांकि ये लास्ट डेट आपकी बाद में एक्सटेंड होके 30 अप्रैल या फिर 15 मई तक भी जा सकती है। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, आप सभी को अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिनकी बात कर रहे थे उनको अपने असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करवाने हैं, लेकिन दिल्ली 3 के सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। जमा करने के लिए आपके स्टडी सेंटर्स की मेल आईडी दी हुई है या फिर उनकी तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उन पे अपने असाइनमेंट्स मेल कर देंगे या सबमिट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के हैं, आप सभी को अपने असाइनमेंट्स में अपना इग्नू आईडी कार्ड भी स्कैन करके अटैच करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपना इग्नू आईडी कार्ड भी साथ में अटैच करना होगा। इसके अलावा आपके फ्रंट पेज में ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके असाइनमेंट्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, आपको मेल कर दिया जाएगा, आपको वो करेक्शन करके और अपने असाइनमेंट्स फिर से जमा करवाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट्स की जो हार्ड कॉपी है उसे अपने पास में सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो बाद में आपसे फ्यूचर में आपके रीजनल सेंटर या आपके स्टडी सेंटर से मांगी जा सकती है और उस टाइम पे आपको वो जमा करवानी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया था उसे चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में। इसमें बेसिकली दोस्तों वो सभी कन्फ्यूजन्स या उस टाइप के सवालों के जवाब दिए हुए हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इनके स्टडी सेंटर्स की लिस्ट। यहाँ पे जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं जो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंडर में आते हैं, उन सभी की तरफ से या तो मेल आईडी दी हुई है या फिर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आपको अपने असाइनमेंट्स ईमेल के जरिए या फिर गूगल फॉर्म के जरिए किस तरीके से जमा करने हैं इसके बारे में हम पहले ही वीडियोज बना चुके हैं, सो उसके लिए आप चैनल को विजिट करके और उन वीडियोज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी स्टडी सेंटर्स जो कि दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंडर में आते हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स भी हैं जिन्हें यहाँ पे चेंज किया गया है, सो आप एक बार इस लिस्ट को डाउनलोड करके और पूरा चेक कर लीजिएगा। अगर आपका स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप इस लिस्ट को लास्ट तक जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके स्टडी सेंटर की तरफ से जो भी कंसर्न पर्सन है, नोडल पर्सन, उन सभी का कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इनकी मेल आईडी दी हुई है, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बेंगलोर रीजनल सेंटर, मदुरई रीजनल सेंटर और दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में बताया है। अगर आप इन रीजनल सेंटर से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स इन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो सभी स्टूडेंट्स टाइम पे अपने असाइनमेंट्स जमा करवा पाएँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।